नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2023 में या आने वाले समय में अच्छे और बेस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर फॉर 5 ईयर्स की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए बेस्ट में भी हाई रिटर्न देने वाले और अच्छे और सिक्योर्ड म्यूचुअल फंड कौन से हैं। जैसा आप जानते हैं, कोई भी इन्वेस्टर अपने जो भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड में जरूर उसको इन्वेस्ट करता है या करना भी चाहिए। म्यूचुअल फंड से कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न्स कमाई करने का आपको हमेशा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे मौका मिलता है। और किसी भी कंपनी के जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बेस्ट बेनिफिट ये मिलता है कि उस कंपनी के म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर अलॉट होता है, तो फंड मैनेजर बहुत अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, उसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है। कई सालों का, 20 सालों से लोग मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपने पैसे को जब हम उस कंपनी के किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो फंड मैनेजर उसको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनियों में उस पैसे को लगाते हैं। तो एक बेस्ट पार्ट ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में आपको एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मिलने के कारण एक अच्छा रिटर्न आपको लाइफ में मिलता है। तो वीडियो आपको इतना से आप सुनेंगे और मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 म्यूचुअल फंड। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड में कंपनियों के नाम भी आपसे शेयर करेंगे, साथ के साथ में जितनी भी डिटेल हो सकेगी उस कंपनी के रिलेटेड म्यूचुअल फंड की वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितना जिससे आपको उस चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और हमेशा मैं आपको ये जो भी मेरी कोशिश रहती है कि अगर चाहे स्टॉक्स है चाहे म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड का भी मैं हमेशा पूरा स्टडी करके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप अच्छी रिटर्न्स बना सकें और आपको लॉसेस भी कम हो, अच्छे प्रॉफिट्स अच्छे हों। म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग लॉसेस में रहते हैं, आप इस बात को भी समझते होंगे। म्यूचुअल फंड में से अर्निंग या पैसा कमाना इतना ही टफ है जितना स्टॉक में टफ है। म्यूचुअल फंड की सही जानकारी, सही कंपनी की, सही फंड का अगर आपने सिलेक्शन करने में आप मिस्टेक करते हैं तो जरूर आप उससे पैसा नहीं बना पाते हैं। ऐसा आप अपनी प्राइमरी लाइफ में देखते भी होंगे, आपके पोर्टफोलियो में सारे अगर म्यूचुअल फंड हैं तो आप देख रहे होंगे कि सभी म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको लॉसेज दे रहे हैं, लगातार लॉसेज दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको ये हमेशा समझ के चलना चाहिए कि जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बात भी मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। उसका कहने का कारण यही होता है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो बेस्ट पार्ट यही रहता है कि एक फाइनेंशियल जो फंड मैनेजर होता है उसको फाइनेंस की, एक रिटर्न्स की और इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है। 15-20 साल 10 साल का उनको अनुभव होता है और वो अपने फील्ड के माहिर होते हैं, तो उसकी वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनती है। तो अब मैं इतना के साथ में आप समय निकाल करके वीडियो सुनेंगे तो जरूर आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स समझ में आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। तो मैं पहला म्यूचुअल फंड आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहले म्यूचुअल फंड को हमने टॉप लिस्ट में सबसे नंबर वन पे अगर मैंने रखा है तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक स्टॉक है, तो उसका म्यूचुअल फंड है, तो वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ तो आप उसको समझेंगे कि कंपनी का नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, एक्सिस बैंक वालों का एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। और इस फंड में, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर पैसा फंड मैनेजर जो अपना होता है वो इंडियन सेंसेक्स या अपने एक्सचेंज मार्केट होता है तो NSE के अकॉर्डिंग, तो वो टॉप की 250 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इसके साथ साथ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो जो बाहर की कंपनियां होती हैं, जो विदेशों की कंपनियों के इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो उसमें भी मार्केट में थोड़ा बहुत वो फंड को इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको देश की कंपनी साथ के साथ विदेशी की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करती है, तो इसका फायदा आपको मिलता है। और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में जब जैसे ही ग्रोथ आनी शुरू होती है या ग्रोथ अच्छी रिटर्न्स उसमें कन्वर्ट होते हैं तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को अगर मैं पिछले कुछ सालों का अगर आपको मैं बताऊंगा तो इसके रिटर्न्स का जो प्रदर्शन है वो भी बहुत बेहतरीन रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। इन्वेस्टर को इसने बहुत ज़्यादा कमाई करके दी है। इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर पैसा या तो फाइनेंशियल, केमिकल कंपनीज, सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनियां हैं, तो इस तरह की कंपनीज में ये एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड इन्वेस्ट करता है। और कम से कम इस म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो आप इसमें 1000 रुपये से भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप सिप जानते हैं तो सिप जो होता है मंथली बेसिस पे आप इसको 1000 रुपये के हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम में आप जितना मर्जी अमाउंट से इसको खरीद सकते हैं। और इसके साथ इसका जो एक्सपेंस रेशो की मैं अगर बात करूँगा तो एक्सपेंस रेशो जो होता है वो इस म्यूचुअल फंड में 0.55% देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, यानी कि कम है। अदर दूसरी कंपनीज में ज़्यादा खर्चा वो लोग उन कंपनी को आपको देना पड़ता है।
तो इसमें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड नंबर वन पर रहेगा मेरे हिसाब से, और आप इसमें देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, जिससे आपको पैसा भी कम कटेगा और रिटर्न्स भी इसमें हाई मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम इसके अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। सिप में आप मिनिमम में 1000 रुपीज़ से इससे स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम में आप जितना मर्जी चाहे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 से जैसे मर्जी कर सकते हैं। 1 साल 2 साल 5 साल के लिए अगर टिकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न से स्टॉक देने की क्षमता रखता है। इसी सेगमेंट में मैं अब दूसरा स्टॉक आपको बताता हूँ, उसका नाम है क्वांट, क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। तो ये क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है। तो क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड का इस वीडियो में मेरे हिसाब से ये दूसरे नंबर की कंपनी है या दूसरे नंबर पर इसका म्यूचुअल फंड आता है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के चलते फंड मैनेजर पैसे को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के मतलब जो तीनों तरह की जो कैप होती है कैटेगरी के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिसके चलते ये फंड आपको अच्छी ग्रोथ दिखाने में के साथ साथ रिस्क को भी काफ़ी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड अपने ज़्यादातर फंड को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, FMCGs तरह की जो कंपनियां हैं, साथ के साथ फाइनेंशियल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1000 रुपये से इसमें भी आप सिप के माध्यम से कर सकते हैं। और अभी फंड का एक्सपेंस रेशियो को अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी फंड होने के बावजूद भी काफ़ी कम नजर आता है। तो दूसरा रहा क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। तीसरी कंपनी का फंड मैं आपसे बताते हैं, तो इसमें देखेंगे ये मिड कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। तो मिड कैप कैटेगरी में तीसरे नंबर पर आने वाला जो फंड है उसका नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देने वाला जो है फंड है, और मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड के साथ इसका जो फंड मैनेजर होता है अपने ज़्यादातर पैसों को अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियों के अंदर ही ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से इस म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलने के चांसेस इसमें नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों का अगर पुराने टाइम बैक का रिकॉर्ड देखेंगे तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के रिटर्न पर नजर डालें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इसने कमा के दिया है। इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पैसे को ज़्यादातर इंजीनियरिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इन सभी सेक्टर की कंपनियों के अंदर सबसे ज़्यादा ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें भी आप 1000 रुपीज़ मिनिमम से सिप के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और फंड का एक्सपेंस रेशियो भी इसमें भी काफ़ी कम है, जो कि करीब 0.4% है, यानी 40.4% एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी कम है मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिलेगा। बात करेंगे चौथी लिस्ट पर, तो चौथी लिस्ट पर जो टॉप म्यूचुअल फंड आता है तो वो क्वांट का ही एक और फंड है, क्वांट कंपनी का क्वांट मिड कैप फंड। तो क्वांट मिड कैप फंड भी एक मिड कैटेगरी का फंड है, और ये म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसके मैनेजर के पास बहुत ही लंबे समय का अनुभव है, बहुत लंबा इसके पास एक्सपीरियंस है, जिसकी मदद से पिछले कुछ सालों के अंदर इस फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। क्वांट मिड कैप फंड के फंड मैनेजर ज़्यादातर उभरते हुए सेक्टर, जैसे नए सेक्टर्स होते हैं, सर्विसेज का जो फील्ड है, ऑटोमोबाइल्स का फील्ड है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, इस तरह की सभी जो सेक्टर है उसमें मिड कैप कंपनियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से फ्यूचर में म्यूचुअल फंड में ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको 1000 रुपीज़ मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सिप के थ्रू कर सकते हैं, लमसम से भी कर सकते हैं, और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.63% का है, जो मिड कैप फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिखता है लेकिन इतना इसमें रहता है। नो डाउट क्वांट मिड कैप फंड एक बहुत अच्छा और फोर्थ नंबर पर ये मेरे हिसाब से मेरी लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं पांचवा फंड कौन सा रहने वाला है, जो बेस्ट टॉप 10 की बात हो रही है यहाँ। तो पांचवे में मैंने लिया है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, जो कि नंबर वन पे जो एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है उसी से रिलेटेड है, और फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आने वाला और हमारी टॉप 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला फंड देखने को मिलता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर ज्यादातर उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी का बिजनेस बहुत ही नया है, मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे की हो तो उस तरह की ये कंपनी में इन्वेस्ट करती है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर ज्यादातर केमिकल सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, इसके साथ साथ हेल्थ केयर के सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्मॉल कैप की जो कैटेगरी की कंपनियाँ होती हैं उनके अंदर एक्सिस स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के इन कंपनियों के अंदर भी फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने की ऐसा अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत रिस्क भी हो सकता है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड रहते हैं, बट इस एक्सिस स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलेगा लेकिन इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे
बनते हुए दिखाई देते हैं, और इसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें करीब 500 रुपीज से आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो 0.52% है, जो कि ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पर, मैं आपको बताता हूं 6 नंबर का म्यूचुअल फंड टॉप 6 नंबर पर कौन सा आता है, तो वो भी एक्सिस बैंक का ही बनता है, और एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड है। तो ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और टॉप 10 की लिस्ट में ये छठे नंबर पर फंड आता है। और इसमें आप ब्लू चिप फंड, एक्सिस बैंक का एक्सिस ब्लू चिप फंड ज्यादातर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से इस फंड में रिस्क सबसे कम देखने को मिलेगा और रिटर्न भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। पिछले सालों पर अगर इसके रिटर्न्स पे नजर डालेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे स्टेबल रिटर्न्स देने में ये म्यूचुअल फंड कामयाब हुआ है। अगर आप कम रिस्क की कोई फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला एक म्यूचुअल फंड साबित हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड में भी आप 500 रुपीज की सिप से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम में जितना मर्जी आप कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.55% बनता है, देखने को मिलता है। तो इस जो कि ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा है, अदरवाइज एक्सिस ब्लू चिप फंड हमारी छठी लिस्ट में टॉप 10 की छठी 6 नंबर पर आता है, तो नो डाउट ये भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब बात करते हैं 7वें नंबर यानी 7th पोजीशन पर कौन सा स्टॉक है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देते हैं। हमारी टॉप 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिस कंपनी का नाम है पराग पारिक। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है और लंबे टाइम से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। फंड मैनेजर की अलग अलग कंपनियों के अंदर बेहतर फंड को उन्होंने डाइवर्सिफाई करते हुए बहुत अच्छे इसमें इसका जो आप प्रदर्शन भी देखेंगे, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विसेज का जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी के जो सेक्टर्स की कंपनियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ के से अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम में भी कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो अगर आप चेक करेंगे तो इस फंड में आपको 0.77% का एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेगा, जो कि बाकी फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बनता है। अदरवाइज इस का अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न इसने लास्ट के टाइम में दिया है। लास्ट अगर आप टाइम चेक करेंगे तो ये नो डाउट 7 नंबर पर एक बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। बात करेंगे 8 नंबर पर, तो 8 नंबर पर टॉप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में मेरे पास 8वें नंबर की मैं बात करूंगा तो लार्ज कैप कैटेगरी का टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाला फंड नजर आता है। इस म्यूचुअल फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कंपनी के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो भविष्य है वो एकदम उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने का एक अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो जिस तेजी से जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसी की वजह से इस तरह की कंपनियों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जिसके कारण इस फंड ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर को लास्ट पिछले कुछ सालों में दिया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में टाटा डिजिटल इंडिया की बात करें, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो इसमें तो आप और भी कम पैसों से अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये से आप इसकी सिप स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम में आप जितना मर्जी कर सकते हैं। और एक्सपेंस रेशो की मैं बताऊँ तो बात करें तो इसमें 0.34% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि काफ़ी कम है और ये एक अच्छी बात होती है। अब बात करते हैं 9वें स्थान पर, 9वें पोजीशन पर कौन सा ऐसा फंड है, तो वो टॉप 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में मेरा 9वां नंबर पर जो फंड बनता है वो हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। एक बहुत ही अच्छा और कम रिस्क वाला फंड है, कम रिस्क इसके अंदर है और हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के कारण फंड मैनेजर पैसे को इक्विटी और डेट दोनों में समान रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, इसकी वजह से फंड में रिस्क थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके हिसाब से रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत कम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क फैक्टर इसमें थोड़ा कम रहता है क्योंकि ये डेट में भी, डेट और इक्विटी दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी के में देखेंगे तो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ज़्यादातर फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और FMCG के सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस फंड में आप केवल 1000 रुपये से सिप स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम में जितना मर्जी कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की मैं बात करूंगा तो इसमें एक्सपेंस रेशो 0.62% का है, जो कि ठीक ठाक है। तो ये रहा 9वें नंबर पर कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। अब बात करते हैं 10 नंबर पर, 10 नंबर पर कौन सा ऐसा फंड है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की फील्ड से जुड़ा हुआ टॉप 10 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में 10वें नंबर पर जो फंड है उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो ये आपका 10वें नंबर का फंड है, ये फंड एक बहुत अच्छा फंड है
और ये भी टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़ी हुई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला एक फंड है। इस म्यूचुअल फंड का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड के फंड मैनेजर ज्यादातर पैसे को लार्ज कैप कैटेगरी की टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनियों के अंदर भी थोड़ा बहुत हिस्सा इन्वेस्टमेंट करती है ये कंपनियां, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर मात्र 100 रुपीज पर मंथ की सिप से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए से भी कर सकते हैं, लमसम में आप जितना मर्जी चाहें। और इसका अगर मैं एक्सपेंस रेशो की बात करूंगा तो इसके अंदर एक्सपेंस रेशो 0.84% का है, जो कि थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। अदरवाइज फंड नंबर 10 पे जमा हुआ है। और नंबर 10, तो ये रहा पूरे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के मैंने आपको डिटेल दिए हैं। दोबारा से एक बार और बता देते हैं, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड नंबर 1 पर रहेगा, क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, और 4th पर क्वांट मिड कैप फंड है, 5th नंबर पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड, 6th नंबर पर एक्सिस ब्लू चिप फंड है, 7th नंबर पर पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड है, और 8th नंबर पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, 9th नंबर पर कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और 10th नंबर पर आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। अगर आप जितने भी मैंने आपको 10 फंड बताए हैं, अगर उसमें आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं म्यूचुअल फंड में तो ये टॉप 10 इनमें आप चूज कर सकते हैं, और इसमें सिप के थ्रू और लमसम दोनों ही कर सकते हैं। तो ये तो रहे बेस्ट टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो कि मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। रिलेटेड टू द स्टॉक से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।